नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल में। मैं किशन सिंह आज आप सभी को सिखाने वाला हूं कि कैसे आप बहुत ही आसान ढंग से सूरजमुखी का फूल बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। देखिए, उसके लिए पहले आपको क्या करना है, एक आपको गोला बना लेना है इस तरीके से, और उस गोले में आपको छोटी छोटी ऐसे बूंदियाँ रख देनी है, डॉट इस तरीके से। देखा आपने, जैसे बिस्किट में होता है ना, उसी तरीके से। ये देखिए, आपने रख दिया ऐसे हमने, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से, यहाँ ऊपर से, देखिए ऊपर से आपको क्या करना है, एक ऐसे पंखुड़ी बना देनी है, देखा, और इधर से भी आपको एक ऐसी पंखुड़ी बना देनी है। अब देखिए, ऊपर नीचे इधर पंखुड़ियाँ बन गई हैं, तो इधर और इधर भी बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे, देखा, और इसको ऐसे इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि आपका बिल्कुल हाथ जो है वो सध जाए, कि बार बार इरेजर का इस्तेमाल ना करना पड़े आपको, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से एक पंखुड़ी और बना देनी है ऐसे, और यहाँ से भी एक पंखुड़ी इस तरीके से, यहाँ से भी, और इस तरीके से, देखा आपने, और फिर यहाँ पर देखिए, साथ में आप लोग बनाते चलिए, पेंसिल निकाल लीजिए, अभी आप रबड़ का भी इस्तेमाल करिए, फिर धीरे धीरे मत करिएगा, ताकि आपकी आदत ना पड़े ना रबड़ वाली। और यहाँ से भी आपको ऐसे, देखिए अब मैं रबड़ इरेजर जो है उसको क्यों नहीं यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप एग्ज़ाम में रबड़ ज़्यादा यूज करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि वहाँ आपको बिगाड़ना ना पड़े, तो टाइम बचेगा और आप जल्दी हो जाएगा। अब देखिए, इसको आपको कलर करना है येल्लो से, पीले से, और इसको आपको भूरे कलर से, ब्राउन से करना है। ये गोले को आपको ब्राउन से और इसको येल्लो से करना है। मेरे पास अब इस पे कलर मैं कर नहीं सकता हूँ बोर्ड पे, वरना बोर्ड ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसे डॉट डॉट कर दे रहा हूँ। पर आप लोग इसको कलर करिएगा, वो भी कौन से कलर से करेंगे, पेंट कलर से, हाँ, वरना आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा अगर पेंसिल या मोम कलर से कर देंगे तो। देखा आपने, इस तरीके से ये बन गया ऐसे। मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ इसलिए ताकि थोड़ा आप लोग समझ जाएं। देखिए, जल्दबाजी मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, और बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, आलेखन के अंदर आपको बनाने को आएगा, चाहे आप एक मतलब कि सर्कल इस तरीके से बना के ऐसे वृत्त जितने सेंटीमीटर का होगा, उसके अंदर फिर आप ऐसे ऐसे मतलब कि फूल बना के सब पूरा बढ़िया कलर करेंगे, है ना। लेकिन आपको जब फूल पता होगा तब बनाएंगे ना, और अभी अब आपको फूल की प्रैक्टिस ही नहीं है, नहीं आता है फ्लावर बनाना, तो आप आलेखन में कैसे बनाएंगे। और वीडियो पूरा देखिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए, ये आपका हो गया ऊपर का पोर्शन फ्लावर का, एक यहाँ पर भी बना देते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका हो गया ये फ्लावर का पोर्शन ऊपर का, और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इसका तना बनाएंगे सूरजमुखी का। ये देखिए ऐसे और ऐसे, देखा तना, और यहाँ से आपको क्या करना है, पत्तियाँ बनानी, बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको पत्तियाँ बना देनी है इस तरीके से, ऐसे, देखा आपने। और फिर यहाँ से आपको बिल्कुल इसको बीच से फाड़ देना, सबकी लाइन खींच देनी है, और इधर ऐसे ऐसे, देखा आपने, और वही काम इधर भी करना है आपको। ये देखिए, इस तरह से ला करके आपको
इधर ऐसा मिला देना है। देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है। इधर भी थोड़ा पत्ती में हम कोना बना देते हैं। देखिए अब ये इतना इधर बन चुका है, ये आपका ऊपर का पूरा हो चुका है। अब देखिए इसको आपको और क्रिएटिव करना है। ये याद रखिएगा कि मान लीजिए आपने एक वृत्त खींचा इस तरीके से आपने, अब आपने फूल बनाया, पता चला आपने इतने में ही फूल बना दिया यहाँ से, ऐसे ऐसे ही मान लीजिए आपका फूल बन गया, तो इस पे भी नंबर कटेंगे। आपको ऐसा बनाना है कि ये जो वृत्त है इससे सटा हुआ होना चाहिए, ज्यादातर भाग इस फूल का इस वृत्त को ज्यादातर छुए ऐसे, मतलब आपको इस पूरे घेरे को भरना भी है। ये नहीं कि आप इतना बड़ा बना दिए फूल बस हो गया, उसमें भी नंबर कटेंगे। तो अभी मैं धीरे धीरे आपको सब बता रहा हूँ, पहले आप फूल बनाना सीखिए। तो आपको इसको और अट्रैक्टिव करना है, आकर्षक बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको करना यह है कि एक बड़ी पत्ती बनाएंगे, थोड़ा मोटी, देखिए ऐसे इस तरीके से, देखा आपने, और फिर ऐसा बनाना है इस तरीके से, देखा ये अब आपका थोड़ा आकर्षक बन जाएगा। और अब आपको क्या करना है, उसमें आता है कि जैसे उसमें आलेखन में ये कहता है कि किसी भारतीय फूल या सूरजमुखी का फूल और उसकी पत्तियां और कलियों सहित एक आलेखन तैयार कीजिए। तो आपको कलियां भी बनानी है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कली बना दीजिए, क्या करिए, कली, हाँ थोड़ा पतला हो गया है, देखिए पूरा वीडियो देखिए, आपका एक भी नंबर मैं कटने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इस तरीके से ऐसे, और इसकी कली भी दोस्तों बहुत आसान होती है, ये देखिए ये ऐसा हमारी मुट्ठियां होते हैं, हाथ होता है ना, उसी तरीके से इसकी कली होती है। बस ज्यादा कुछ आपको इसमें नहीं करना है, इस तरीके से ये देखिए, इधर आपको आपने एक कली बना दी। अब यही काम आप इधर भी करिए, ऐसे यहां पर ला करके इस तरीके से, एक दो तीन इस तरीके से, और ये देखिए आपको कलियों को भी क्या करना है, येलो कलर से कलर कर देना, ठीक है। तो आपने देखा कितना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बनाइएगा। जो हमारे साथ बना रहे थे उनका तो समझ लीजिए पूरा ही क्या होगा। और यहाँ पर आप लिख दीजिए सूरज मुखी, देखा सूरजमुखी का फूल, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसका फूल बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, एक कमेंट लिखिए, कमेंट में आप हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं और बताइए कि आपको किस चीज़ पर आगे वीडियो चाहिए, मैं उसे बनाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद।